मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। शास्त्रीय संगीत में संतूर के जरिए फिल्म संगीत को नई रंगत देने वाले शिव कुमार शर्मा का बड़ा योगदान रहा है। शिव कुमार शर्मा ने अपने सहयोगी हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई फिल्मों में संगीत दिया। इनकी जोड़ी काफी मशहूर रही। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के मशहूर संतूर वादक थे। आज संतूर की लोकप्रियता का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो वो शिव कुमार शर्मा को ही जाता है। उन्होंने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए। सूफी संस्कृति में संतूर को कभी भी एक एकल वाद्य यंत्र नहीं माना गया, जब तक कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने इस उपकरण को इस्तेमाल करने के तरीके को नहीं बदल दिया। उन्होंने राग से लेकर यमन, किरवानी, भोपाली और जोग सभी में महारत हासिल की थी। साल 1993 तक पंडित शिव कुमार शर्मा ने 8 फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचने का आनंद लिया। फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा मेरे करीबी दोस्त थे, उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए संगीत रचना करने के लिए राजी किया, लेकिन शुरुआत से ही मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट थी। मैंने तय किया हुआ था कि फिल्म संगीत की खातिर शास्त्रीय संगीत का त्याग नहीं करेंगे और यही कारण है कि दोनों शैलियों में संतुलन बनाना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने सच्चे जुनून का पालन करने के लिए फिल्म संगीत जगत को छोड़ दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ। फिल्मों में शिव हरि को लाने का श्रेय यश चोपड़ा को जाता है। 1981 में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को एक साथ अपनी चर्चित फिल्म सिलसिला में लाने वाले यश चोपड़ा ने संगीत के लिए खयाम को न चुनकर इस जोड़ी को चुना। सिलसिला फिल्म का संगीत काफी हिट रहा। राग भोपाली पर आधारित देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए नीला आसमां सो गया जैसे गानों के संगीत की रचना उन्होंने ही की। इसके अलावा सर से सर के सर की चुनरिया और ये कहां आ गए हम जैसे गीतों के संगीत को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा दोनों की जोड़ी ने 1985 में आई फिल्म फासले, 1988 में विजय, 1989 में चांदनी, 1991 में आई फिल्म लम्हे समेत कई फिल्मों के गीतों को अपने संगीत से सजाया। इन फिल्मों के ज्यादातर गीत सुपरहिट रहे। 1993 में आई फिल्म डर यश चोपड़ा के साथ शिव हरि की आखिरी पेशकश रही। संगीत में संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के एक साथ मिलकर शिव हरि की जोड़ी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस बारे में एक इंटरव्यू में हरिप्रसाद चौरसिया ने बताया कि 70 के दशक में हम दोनों की स्वीडन में एक रिकॉर्डिंग थी। उस एल्बम का नाम था जुगलबंदी। इसमें राग झिंझोटी और राग पीलू था। एल्बम का कवर डिजाइन होना था। कवर पर हम दोनों के नाम लिखे गए तो जगह बहुत ज्यादा लग रही थी। हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इतनी जगह सिर्फ नाम में चली जाए तो ये कवर कम पोस्टर ज्यादा लग रहा था। तय हुआ कि नाम छोटे कर लिए जाए। शिव हरि ही एक विकल्प था, बस वही बनी। हमारी शिव हरि की जोड़ी बाद में फिल्मों में खूब हिट रही। संतूर को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके चाहने वालों के दिलों में उनका संगीत हमेशा हमेशा के लिए बसा रहेगा। न्यूज़ तक की ओर से शिव कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि।